नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नेक्स्ट डे हो चुका है नैनीताल में, दूसरा दिन। और भाई लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था भाई गाड़ी ख़राब हो गई है। अभी जाके देखता हूँ कि भाई गाड़ी की क्या सिचुएशन है। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है भाई, इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है और भाई जैसी रेस दे रहे हैं ना तो गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो भाई देखता हूँ, अभी जाना था रानीखेत, लेकिन देखते भाई बनता है कि नहीं बनता है, वापस गाड़ी सही कराते हैं। यहाँ पे भाई कोई मैकेनिक भी नहीं है नैनीताल में, और जो गाड़ी सही होती है भाई सारी गाड़ियाँ सही होती हैं यहाँ पे हल्द्वानी में। तो भाई चलते हैं, गाड़ी को देखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मॉल रोड घूमना है या नैनी मंदिर जाना है या रानीखेत जाना है, आगे ब्लॉग में आपको मैं बता दूंगा। तो भाई ये है होटल का कमरा नंबर 25, और भाई वो सामने खड़ी है गाड़ी, देखते हैं भाई जाके क्या होता है। जैसे तैसे करके पार्क करी हुई है, सामने है आर्मी का रेस्ट एंड रिकूप सेंटर। बैटरी की वायर मैंने निकाली थी यहाँ से ताकि थोड़ी रीसेट हो जाए गाड़ी, और इंजन लाइट अभी देख रहे हैं भाई आएगी कि नहीं आएगी, बाकी और क्या ही देखूंगा इसमें। भाई गाड़ी स्टार्ट तो कर ली है, भाई देखो ये इंजन लाइट आ रही है, अब ये जा ही नहीं रही है, और एक्सीलरेटर देंगे तो भाई गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही है। नहीं जा रहा है भाई वो इंजन लाइट, चेक इंजन लाइट नहीं जा रहा है। और सामने आपको दिखाता हूँ, ये है यहाँ का बस स्टॉप, बस अड्डा जिसे आप बोलते हैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड रोडवेज का। और ये जो रोड है ये रोड सीधी अल्मोड़ा भीमताल भवाली और रानीखेत जा रही है। तो दोस्तों सामने से अगर आप आ रहे हैं तो आप हल्द्वानी और दिल्ली से आ रहे होंगे, और हो सकता है दिल्ली के बीच में भाई गाज़ियाबाद भी पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो यहीं से आप आएंगे। और रानीखेत जाना होगा तो इधर से गोल चक्कर से, और इधर रानीखेत जाएंगे भवाली जाएंगे। और भाई नज़ारे दिखाता हूँ, सामने देखो नैनी लेक, वाइड एंगल में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ओह तार आ गया भाई ऊपर, ओ भाई नैनी लेक में मछलियाँ बहुत ज़बरदस्त, वो देखो फिशेज हैं, ब्रेड फैलाई जा रही है भाई, और वो दूर तक फैली हुई है भाई साहब नैनी लेक, क्या ज़बरदस्त क्या खूबसूरत लग रही है। बोटिंग भाई मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट नहीं, पानी बहुत ना, पानी का लेवल जो है बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक पानी का लेवल है यहाँ पर। और इस तरफ इस रोड पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको कुमाऊँ मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस मिल जाएगा, जो सरकारी रेस्ट हाउस है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और दिल्ली में इनका एक ऑफिस भी है तो वहाँ पे भी जाके आप बुक कर सकते हैं। टाइम हुआ है, टाइम भाई टाइम टाइम बता देता हूँ आपको, टाइम हुआ है 9:40, और भाई क्या खूबसूरत लग रही है, मज़ेदार एकदम। दोस्तों इस पॉइंट से आपकी मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है, और सामने आप देख रहे होंगे काला ढूंगी 37 किलोमीटर लिखा हुआ, इधर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आर्मी का रेस्ट एंड रिकूप सेंटर, और इधर आ गया सामने बोट स्टैंड तल्ली ताल। भाई लेक का लेवल दिखाओ ना, पानी का बिल्कुल ऊपर तक आ गया है, पहले काफी नीचे रहता था ये, और ये नीचे तक वहां तक जा सकते थे आप, लेकिन अब पूरा भर गया है यहाँ पे। ये गेट है लेक ब्रिज टोल, 110 रुपये का यहाँ पे आपको टोल देना पड़ता है अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो। अब जैसे ये गाड़ी आकर रुकी है, इसको नहीं देना क्योंकि ये यूके की गाड़ी थी, और भाई यूके के अलावा कोई भी गाड़ी होगी तो यहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा 110 रुपये। ये देखिए यहाँ पे यूके की ये पीली नंबर की गाड़ी है तो इसको टोल देना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट व्हीकल होता है यूके का तो इनको टोल नहीं देना पड़ता। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, अभी तो बहुत दूर है, नैना देवी मंदिर है वो, वहाँ पे भी अभी मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो भाई दो सीटर का है 320 रुपये, चार सीटर के 420 रुपये, भाई ये बोटिंग के चार्जेस हैं। और भाई और पास से देख लो नैनी लेक, यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ भाई, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, मज़ेदार। तो दोस्तों अगर आप नैनीताल या नैनी लेक घूमने आएंगे ना तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे जितने भी बोट वाले या साइट सीइंग कराने वाले होते हैं वो आपको तुरंत खुद ही अप्रोच कर देंगे कि सर बोट ले लो, बोटिंग करा दें, रेंट पे स्कूटी ले लो, बाइक ले लो, गाड़ी ले लो, तो सबके जो रेट हैं भाई वैरी करते हैं, और नेगोशिएशन इज़ मस्ट भाई साहब,
कर लेना नेगोशिएशन, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और अगर आप मॉल रोड पे घूम रहे हैं और होटल लेने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो मॉल रोड पे होटल मिलेंगे ना, सबके प्राइस वेरी करेंगे, अलग अलग रूम के चार्जेस हैं, अलग अलग वेरी करते हैं भाई, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, सीज़न के अकॉर्डिंग भाई रेट और भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी आपको बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे और खाने की शॉप्स तो भाई इधर बहुत हैं। तो दोस्तों ये है मॉल रोड का फेमस, यहाँ पे चर्च भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो पैदल घूमना चाहते हैं, तो भाई पैदल आप जा सकते हैं, मॉल रोड घूम सकते हैं, नैना देवी टेम्पल जा सकते हैं, यहाँ पे एक भूतिया मार्केट है वो जा सकते हैं, ज़ू जा सकते हैं, ज़ू आप रोपवे यूज़ करके भी जा सकते हैं। रोपवे का किराया मैं वीडियो में आपको बता दूंगा भाई कितना होगा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, वहाँ आप वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और भाई अगर आप यहाँ पे लोकल साइट सीइंग करते हैं तो उसके लिए आपको स्कूटी रेंट करनी पड़ेगी, गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी। गाड़ी वाले जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि भाई गाड़ी वाले खुद ही अप्रोच कर लेंगे, टूर ऑपरेटर खुद ही अप्रोच कर लेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राइस वेरी करेंगे भाई, नेगोशिएशन जो होगी वो मस्ट होगी, नेगोशिएट कर लेना प्राइस। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको चर्च दिखाया था, सैन फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, और उसका रास्ता भाई यहां से जाता है। जैसे कि मैंने आपको ज़ू के बारे में बताया था, ज़ू शटल सेवा, शटल सेवा भाई ज़ू आने के हेतु नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा अधिकृत शटल सेवा का उपयोग करें। किराया भाई 70 रुपये, 18% GST एक्स्ट्रा है। और भाई नोट भी ये याद रखें, पर्यटकों के प्राइवेट वाहन, अन्य सभी टैक्सियाँ, दोपहिया टैक्सी ज़ू आने हेतु प्रतिबंधित हैं। ज़ू जाने के लिए ये वाला रास्ता है, ऊपर पैदल भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों नैनीताल ज़ू की एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, www.nainitalzoo.org। आपको यहाँ पे वाटर कूलर भी देखने को मिल जाएंगे भाई। धीरे धीरे करके सैलानी आ रहे हैं और बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, सुबह सुबह का मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे भी आपको मल्टी चेन जो आउटलेट्स होते हैं, जैसे सबवे हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। और आगे जाके आपको एक पिज़्ज़ा हट भी देखने को मिल जाएगा भाई। मॉल रोड पे आपको रोटरी सेल्फी पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई यहाँ पे नैनी लेक का, मज़ेदार। और ये बना रखा है इधर से, ये हार्ट की शेप में सेल्फी पॉइंट है ये, वाह। तो दोस्तों जैसे ही आप सेल्फी पॉइंट से फोटो खिंचवा के बाहर निकलेंगे, और आपको देखने को मिलेगा बहुत ही पुराना ये दुर्गा शाह नगर पालिका पुस्तकालय नैनीताल भाई। बहुत पुराना ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, और इसकी जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल से लेकर सितंबर तक की भाई, सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक, शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक, और अक्टूबर से मार्च भाई 1-1 घंटा कम हो गई। तो जो अगर आप माउंटेन्स पे आ रहे हैं ना घूमने, तो भाई कैश ज़रूर लेके आए, ठीक है। अभी गया था HDFC बैंक के ATM में, कैश नहीं है भाई उसमें। दोस्तों अभी मैं सामने जा रहा हूँ, और सामने है नैना देवी टेम्पल और भूतिया मार्केट, और यहाँ पे आके भाई मॉल रोड ख़त्म हो जाती है। नहीं, आगे तक भी मॉल रोड चलती है, और आगे तक भी मॉल रोड चलती है यहाँ पे, जहाँ से लोग आ रहे हैं सारे, और इस तरफ में जाके भूतिया मार्केट। अभी मैं खड़ा हूँ भूतिया मार्केट में। भूतिया मार्केट भाई अभी लगी नहीं है, बहुत जल्दी है, यहाँ पे लगभग लगनी स्टार्ट होती है 12 और 1 बजे के बाद ही। भाई नैनी लेक के किनारे पे आपको ये चिल्ड्रन पार्क भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी रख रखाव यहाँ पे अभी चल रहा है, बनाया जा रहा है, फिर से डेवलप किया जा रहा है इस पार्क को। और इधर ही कुछ नैनी लेक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बताता हूँ आपको। तो भाई ये जो है नैनी लेक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है,
तो भाई झील कैसे बनी है उसके बारे में बता देता हूँ। नैनीताल स्कंद पुराण में त्रि ऋषि सरोवर अर्थात तीन सिद्ध ऋषि अत्रि अगस्त्य और पुला द्वारा निर्मित झील के रूप में उद्गत है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी नैनीताल के मॉल रोड के बारे में। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।